जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी के फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर एक चर्चा का विषय लेकर हाजिर हूँ। सूर्य स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं तारीख 24 अक्टूबर को और 6 नवंबर तक स्वाति नक्षत्र में रहेंगे, फिर उसके बाद वो विशाखा नक्षत्र में जाएंगे 6 नवंबर 2021। अब हम बात करेंगे कि सूर्य क्या है। सूर्य एक तेज पुंज है, सूर्य एक ऐसा आत्मविश्वास है आपके अंदर, आपकी आत्मा है, आपका स्वाभिमान है, आपका अभिमान है, आपके पिता हैं, आपके शरीर में दांत हैं, आपकी हड्डियां हैं, स्कल हैं, आपकी आंखें हैं, नेत्र हैं, आपके अंदर का तेज है, आपके अंदर की डैशिंग नेचर है, आपके अंदर का अगर मैं कह सकती हूँ कि कौशल है नौकरी पाने के लिए, नेता अभिनेता होने के लिए, किसी भी कार्य में ऊँचे पद पर जाने के लिए जो कोई कार्य करता है वो सूर्य होता है। आपकी आत्मा का बल होता है सूर्य और आपके लिए आपके पिता समान होता है। अब ऐसा सूर्य जो है वो राहु के कांटेक्ट में आने से जो है हमेशा ग्रसित तो हो जाता है और अब वो राहु के नक्षत्र में आने वाला है। तो कौन से नक्षत्र में आ रहा है? वो स्वाति नक्षत्र में। अब स्वाति नक्षत्र क्या है? कहते हैं कि बारिश की पहली बूंद को स्वाति नक्षत्र कहा जाता है। स्वाति नक्षत्र बहुत ही पवित्र है, चूजी है, रेयर है, प्योर है, बहुत ही सुंदर सा नक्षत्र है, लेकिन राहु का नक्षत्र है। स्वाति नक्षत्र तुला राशि में आता है। स्वाति नक्षत्र बहुत ही आकर्षक होता है, चतुर होता है। ऐसे लोग जो स्वाति नक्षत्र में पैदा होते हैं लोकप्रिय होते हैं, व्यापारी होते हैं, मधुरभाषी होते हैं, स्वाभिमानी होते हैं, अंतर्ज्ञानी होते हैं और इनके जो देव हैं वो वायुदेव होते हैं। और इनको कंट्रोल में करने के लिए अगर कोई ऐसी ज़रूरत पड़े कि स्वाति नक्षत्र में किसी का शुक्र है या और कोई ग्रह है तो ऐसे समय पे माँ दुर्गा की आराधना काम आती है। अब याद रहें ये वायु तत्व हैं और सूर्य अग्नि तत्व है, तो वैसे तो घमासान मचनी चाहिए, अग्नि तत्वों को वायु लगेगी तो अग्नि फैलेगी, लेकिन यहाँ हो क्या रहा है कि सूर्य ग्रसित तो हो रहा है राहु के नक्षत्र से और सूर्य के आत्मविश्वास में कमी आएगी। शक शुभा ज़्यादा करेंगे सूर्य, संशय पैदा करेंगे, सही गलत का निर्णय नहीं ले पाएंगे। अब तुला राशि जो है वो दूसरों की राशि होती है। तुला राशि जो है काल पुरुष के कुंडली के अनुसार सातवें भाव की राशि है, तो वो दूसरों की राशि है। तो संशय, दूसरों की राय लेना, दूसरों पे ब्लेम करना, क्योंकि अपना कॉन्फिडेंस कम हो गया है, अपना आत्मनिरीक्षण नहीं कर रहे, दूसरों को उंगली दिखा रहे हैं, तो ऐसी कोई स्थिति सूर्य की हो जाएगी। और इसका इफेक्ट किस किस राशि पे कैसा होगा ये संक्षेप में जानते हैं। मेष राशि, आपके लिए पहले से ही विराजमान मंगल और अब सूर्य स्वाति नक्षत्र में कहता है कि आपको विवाहित जीवन में जो घबराहट बहुत ज़्यादा चढ़ी थी ना, उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलने जा रहा है और अब सूर्य यहाँ पर कुछ बिगाड़ेगा कम और उसका तेज निस्तेज होगा। तो स्वाति नक्षत्र में रहते हुए आप काफ़ी बचे हुए रहेंगे, व्यवसायिक पार्टनर के साथ भी आपकी डीलें कंटिन्यू रहेंगी। वृषभ राशि, आपके लिए स्वाति नक्षत्र में सूर्य जो है वो आपके विदेश रिलेटेड काम या आपके कुछ ऐसे काम रोक रहा था तो हो जाएंगे और साथ साथ आपके लोन वगैरह लेने के लिए भी बातें खुलेंगी। हाँ, प्रोवाइडेडली आप गलत लोन ना लें, किसी गलत व्यक्ति से हाथ ना जोड़ें, तबीयत का थोड़ा ध्यान रखें, पेट से रिलेटेड समस्याओं का, सिर दर्द वगैरह का ध्यान रखें। मिथुन राशि, स्वाति नक्षत्र आपके पंचम भाव में जब सूर्य इसमें आता है तो आप काफ़ी आश्वस्त होते हो, जो आपके बेचैनी, आपके बच्चों से परेशानी, बच्चों की समस्याएं सामने आना और कंफ्यूज होना और समझ ना पाना, ये सब स्थितियां जब होती हैं आपका पराक्रम कम होता है, आपका आत्मविश्वास तो कम होता है, छोटे भाई बहनों से मन मुटाव होता है, लेकिन जो आपका माइंड है ना वो फिर भी सही दिशा में चलेगा और आपको सही डिसीजन देगा। मित्रों की सहायता मिलती रहेगी लेकिन मित्र गलत नहीं होने चाहिए। कर्क राशि, आपके लिए भी अच्छी स्थिति है कि माँ के साथ उलझ रहे थे आप, अब नहीं उलझेंगे, अब थोड़ा सा परिवार में जो बेचैनी थी वो कम होगी, लेकिन ये स्वाति नक्षत्र में सूर्य जो है ये चतुर्थ में है, मंगल के साथ में कामकाज बढ़ने की दिशा में है, आप कामकाज बढ़ाइए और आगे बढ़िए। सिंह राशि, आपके लिए स्वाति नक्षत्र में सूर्य कहता है कि आपका आत्मविश्वास जो कम हो गया था वो अब बढ़ेगा, लेकिन याद रहे कि आपका स्वामी है सूर्य, आपका लग्नेश है, तो आप थोड़ा सा बुझेंगे, आपके अंदर की जो लौ है, आपके अंदर की जो अगन है वो थोड़ा सा कहते हैं ना उसको शैडो मिलेगा। ऐसे में आप सूर्य की आराधना करते रहें, आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ या गायत्री के जाप करते रहें या सूर्य के प्रकाश में बैठें।
कन्या राशि, आपके लिए स्वाति नक्षत्र में सूर्य के आने का मतलब है धन फिर से खुल जाना। गलत लोगों से धन मत लीजिएगा, परिवार में गलत लोगों के साथ हाथ मत जुड़ेगा। परिवार में गलत लोग होते कम हैं वैसे तो, आपको जो थोड़ा बहुत जो लगता है कि कोई गलत है उससे बच बचा के चलिएगा। वैसे आपका संचित धन बचेगा भी, और जो बेचैनी हो गई थी अचानक से परिवार में वो कम हो गई। तुला राशि, अब देखिए कि स्वाति नक्षत्र सपोर्ट करता है आपको और सूर्य की शक्तियों को कम करके आपको चैन देता है। अब आपको चैन मिलेगा तो आपके थोड़े कॉन्फिडेंट भी बढ़ेंगे, लेकिन आपका पैसा घट सकता है। यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि एक फ़ायदा है तो एक नुकसान भी है, और आप जो हैं थोड़ा बहुत अपने कोर्ट केसेस वगैरह से बच के रहें, और विवाद जो पैतृक संपत्ति से रिलेटेड विवाद है उसमें भी डिसीजन आपके सही नहीं होंगे। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए स्वाति नक्षत्र के आने से आपके प्रेम संबंध सुधरेंगे, लेकिन कोई गलत संबंध ना हो जाए इसका ध्यान रखिए। आपको कुछ काम करते करते अचानक से बड़ा खर्चा आ जाना, मन बुझ जाना, या आपके विदेश रिलेटेड काम खराब होना, ये सब ना हो इसके लिए आप करते रहें सूर्य की आराधना। धनुराशि, धनुराशि के लिए अचानक से धन लाभ, अचानक से पैसा, अचानक से अकस्मात पैसा, बड़ा पैसा, और वो जब आएगा तो वो पैसा जाए नहीं वापस वैसा, उसको ध्यान रखिएगा। और आपके कोर्ट केसेस वगैरह जो हैं उनमें बेचैनी हो सकती है, पेपरबाजी में बेचैनी हो सकती है, सरकारी दरबारी कामों में बेचैनी हो सकती है, पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कार्यों में भी बेचैनी हो सकती है। मकर राशि, आपके लिए अब हेल्थ को संभालना, के कार्यस्थल पर इतना ज़्यादा काम किया कि हेल्थ खराब हो गई, हड्डी दांत कल आँखें सब दर्द हो गई, सिर दर्द हो गया, तो इन सब चीज़ों से बचिए, अर्थराइटिस स्पॉन्डिलाइटिस से भी बचिए। और आपके पिता से अनबन जो आपकी चल रही थी वो कम होगी, कार्यस्थल पर कुछ मीडिया के काम चल रहे थे तो वापस मिलेंगे, और आपकी कहते हैं ना जिजीविषा फिर से बढ़ेगी काम करने की। कुंभ राशि, विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश है उससे बचते हुए और व्यावसायिक पार्टनर के साथ कलह क्लेश से बचते हुए काम को बढ़ाइए। काम आपका आएगा, मीडिया से रिलेटेड काम, आपके कुछ ऐसे काम जिसमें आपके आर्ट वगैरह लिप्त हैं वो भी होंगे, और आपकी यात्राओं में आपको गलत लोग ना टकरें इसका ध्यान रखिएगा। मीन राशि, स्वाति नक्षत्र में सूर्य कहता है आपको कि आप अपने विरोधियों से सावधान रहें, आप मन मत बुझाएं, आप डरिए मत लोगों से। आपको जो पैसा मिल रहा है वो पैसा जो तबीयत के ऊपर खर्चाना हो जाए, इसलिए एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन करें सूर्य के आगे, सूर्य की रोशनी में बैठें। एट द सेम टाइम आपको माँ दुर्गा की आराधना भी करनी चाहिए गुरुवार के दिन, और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करने चाहिए। स्वाति नक्षत्र आपको कुछ खराब नहीं कर पाएगा, माँ दुर्गा की आराधना आपके काम आएगी। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा सूर्य के स्वाति नक्षत्र में जाने का। आपको हमारी ये वीडियोस और हमारी ये जानकारियाँ कैसी लगती हैं कृपया प्लीज़ बताएं। फिर मिलूंगी ऐसी ही जानकारियाँ लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।